सबसे पहले आप ये देखिए कि 182 दिनों के बाद आज जब संजय सिंह जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए तो कैसे उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया, उनके ऊपर फूल बरसाए गए जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके लौटे हैं, कोई बहुत बड़ा युद्ध जीतकर वो लौटे हैं। और इस दौरान संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी छूटेंगे। मैं दूर जा रहा हूं ताकि सुन सकूं कम से कम। संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही बीजेपी को लेकर जो आक्रामक रुख दिखाया है, अपनाया है, उससे यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी अब उन्हें इस मामले में एक नया पोस्टर बॉय बनाकर देश के सामने पेश करेगी और लोगों को यह बताएगी कि शराब घोटाला मनगढ़ंत था और इसलिए संजय सिंह जेल से बाहर आ गए क्योंकि वो बेकसूर हैं और आम आदमी पार्टी संजय सिंह की बेल को उनकी बेगुनाही का ही सर्टिफिकेट बताएगी। जबकि सच ये है कि संजय सिंह को अदालत ने बरी नहीं किया और उनके खिलाफ अब भी अदालत में शराब घोटाले का यह मामला चलता रहेगा, यानी अदालत ने उन्हें सिर्फ बेल दी है, इस पूरे मामले से बरी नहीं किया है, इस पूरे मामले में उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया गया है अभी तक अदालत में। अदालत ने ये बेल दी है, जमानत दी है, जमानत के बाद वो जेल से छूटे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न ऐसा मना रहे हैं जैसे संजय सिंह निर्दोष छूट गए हों। और अगर संजय सिंह को भविष्य में अदालत दोषी मानती है तो उनकी यह जमानत भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन राजनीति क्या चीज होती है वो आप संजय सिंह की इन तस्वीरों से आप आज अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि संजय सिंह बेल पर नहीं बल्कि बेगुनाह साबित होकर आज जेल से बाहर आए हैं। लेकिन तो भी आम आदमी पार्टी के लिए ये खुशखबरी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है और इस रिहाई से उनके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ है।